today's video, I'm gonna make vegetable uttapam. So let's do it. वेजिटेबल उत्तपम बनाने के लिए वी नीड सम वेजीज सच एज कैप्सिकम कैरेट्स ऑनियंस एंड टोमेटोस। सो उत्तपम का जो बैटर है उसका प्रोसेस मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ, आई हैव शोन इट ऑलरेडी इन माय मसाला डोसा वाले वीडियो में। सो आई विल गिव द लिंक इन टू द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच इट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक तवा लेना है एंड वी हैव टू हीट इट और इस पर लगाना है ऑयल। After that, take 2-3 tablespoons of batter and उसको डाल देना है तवे पे। फिर हमें इसे गोल गोल मोशन में करके बड़ा करना है। इसे ज़्यादा बड़ा नहीं करना बिकॉज डोसा नहीं है ये, इट्स उत्तपम, सो ये थोड़ा मोटा ही रहना चाहिए। देन इसे एक सर्कुलर शेप बनाने का ट्राई करना है। अगर शेप नहीं आया तो भी इट्स ओके बिकॉज टेस्ट में तो अच्छा ही लगने वाला है। फिर हमने जो वेजीज काटा था वो सब इसमें ऊपर से रख देना है थोड़ा थोड़ा करके पूरे उत्तपम पे। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स कर लिया था, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। देन जस्ट प्रेस इट सो दैट ये अच्छे से स्टिक हो जाए सारे वेजीज उत्तपम में। फिर इसको पलट लेना है। डू इट वेरी केयरफुली बिकॉज देर आर चांसेस कि वेजीज सब इधर उधर हो जाए। फिर इसको इस तरह से प्रेस कर कर के अच्छे से सेक लेना है फ्रॉम बोथ द साइड्स। नाउ आई एम गोना टर्न इट टू द अदर साइड ऑल्सो। और ये देखो ये कितना अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, हमारा जो वेजीज था वो भी पक चुका है। नाउ टेक इट आउट इनटू अ प्लेट एंड इट्स रेडी टू सर्व एंड आई एम गोना सर्व इट विद कोकोनट चटनी एंड सांभर। If you like the video, hit on the like button and subscribe to our channel, and also click on the bell icon so that you don't miss any of our notifications. और अगर आपको video अच्छी लगी हो तो comment करके बताना। So thanks for watching the video and see you in the next video.